हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कैमरा सेटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं इसके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कैमरा सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कैमरा सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना कैमरा ओपन कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। जैसे आप अपना कैमरा ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस ऑप्शन ओपन होता है, या आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, वीडियो, और इधर आ जाएंगे तो मोर में आके बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने मिल जाते हैं अपने फ़ोन के अंदर। जो भी आपको चाहिए, स्लो मो, वीडियो, AR, स्टिकर, सारे आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन नंबर मिल जाता है, जिसमें जाएंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है सेटिंग्स। तो यहाँ से आप आ जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग आने के बाद यहाँ आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है शूटर साउंड। अगर आपको ये बाय डिफॉल्ट ऑफ ऑन हो तो इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैमरा साउंड। तो यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल हमने अपने ऑन कर रखा है। लोकेशन है हमने वो भी अपने ऑन रखा है। नीचे आपको मिरर सेल्फी चाहिए तो इसे भी हमने ऑन कर दिया। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है वाटर मार्क। वाटर मार्क पर जाएंगे तो इसमें आपको टाइम वाटर मार्क चाहिए वो मिल जाएगा, मॉडल फोन का वाटर मार्क मिल जाएगा। कस्टम वाटर मार्क में आप अपना नाम इंटर कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। यहाँ से आपको ऐड कंटेंट पर जाएंगे और अपना नाम अगर आप चाहें तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं वाटर मार्क। अगर आपको इसे ऑफ करना हो तो टाइम एंड डेट वाले फीचर को इसे ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन नंबर जाता है शूटर। शूटर में आपको ऑप्शन नंबर जाता है टच एंड ऐप स्क्रीन। स्क्रीन पे आप कहीं भी टच कर देंगे तो आपका फोटो शूट हो जाएगा। जैसे ही सब ऑन कर देंगे तब इस वाले फीचर को हम ऑन कर देते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे कहीं भी टच कर देते हैं आपका फोटो शूट हो जाता है। नीचे आपको ऑप्शन नंबर जाता है वॉइस वाला, इसे आप इनेबल कर देंगे। इसे इनेबल करने से एग्री पे जाएंगे। अब आपको फोटो शूट करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन नंबर जाता है चीज़ बोलने के बाद आपका फोटो शूट हो जाता है। जैसे आप अपने फोन में वॉइस में बोल देंगे चीज़ तो आपका फोटो शूट हो जाता है। नीचे आपको एक ऑप्शन नंबर जाता है पाल्म वाले को, इसे ऑन कर देते हैं। इस प्रकार से अपना हैंड शो करते हैं तो आपके फ़ोन के अंदर आपका फोटो शो हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं फोटो शूट आपको हो जाता है। उसके बाद जैसे आप सिंगल हैंड से यूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेटिंग फ्रेम मिल जाता है जिसे आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। AI यहाँ से आपको AI आई ऑटो फोकस मिल जाती है, जिसे आप यहाँ से अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसे हम ऑटो पे सेट कर देते हैं। इसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेफ्ट है, राइट आई, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। हमने इसे ऑटो पे सेट कर दिया है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है प्राइवेसी स्टेटमेंट मिल जाता है। अगर आपको कैमरा सेटिंग रीसेट करनी है तो यहाँ आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाकर रीसेट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारे फ़ोन की कैमरा सेटिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।